प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय विश्व के अंदर एक अजीब तरह की परेशानी चल रही है और वो है बिजली संकट। अब समझने वाली बात यह है कि बिजली संकट चाइना में भी है, दुनिया के कई देशों में भी महसूस किया जा रहा है और उसकी आंच भारत के अंदर भी हमको दिखने लगी है। तर्क यह दिया जा रहा है कि बारिश के कारण से कोयले के खदानों के अंदर पानी भर गया है, जिसकी वजह से कोयला सप्लाई नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से उन यूनिट्स को कोयला नहीं मिल रहा, वो बिजली पैदा नहीं कर पा रही है। लेकिन एक बात समझने की है, बारिश तो हर साल होती है, खदानों में पानी तो हर साल भरता होगा, लेकिन पहले तो कभी कोई ऐसा संकट नहीं आया और इस बार ऐसा क्या हो गया है कि कोयले खदानों में पानी भर गया है, सप्लाई बाधित हो गई है और अब बिजली संकट पैदा हो रहा है। दर्शकों, इस बात को यदि मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो इसके पीछे मुझे एक षड्यंत्र की बू नजर आ रही है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति यह कहती है कि 15 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर के बीच में ग्रहों की वो परिस्थिति रहेगी जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा, न्यायिक व्यवस्था अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाएगी, सरकारों की पकड़ थोड़ी सी ढीली रहेगी और जिसकी वजह से अराजकता फैलाने वाले लोगों का हौसला बढ़ा हुआ रहेगा। और मैं इन सब चीजों को होता हुआ देख भी रहा हूं। इस समय पर आप देखेंगे कि किस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो वास्तव में ऐसी हैं जो नहीं घटित होनी चाहिए थी, चाहे वो राजनीतिक दलों के द्वारा हो चाहे किसी और के द्वारा हो, लेकिन घटनाएं तो घटित हो रही है। ऐसे में वर्तमान में जो बिजली संकट पैदा हो रहा है, ये अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा है कि इसके पीछे भी कोई बड़ी लॉबी हो सकता है, ऐसा कोई कार्य कर रही हो जो आर्टिफिशियल तरीके से कोयले की सप्लाई को बाधित करके भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक आर्टिफिशियली बिजली संकट पैदा करना चाहती हो और इसके पीछे उनका एजेंडा कुछ और हो। या तो वो सरकारों से अपनी कोई मांग मनवाना चाहते हैं या विश्व के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं जिसके कारण से आने वाले समय में जब उनको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बिजली की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी, तो यहां कुछ बड़े मुनाफे का गेन किया जा सकता है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होते हुए मुझे अवश्य नजर आ रहा है। और दर्शकों, 15 नवंबर के बाद में आप इस तरह के षड्यंत्र का पर्दाफाश होते हुए भी अवश्य देखेंगे, यानी सरकारों को भी, न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को भी और आम जनता को भी इस चीज का अनुभव अवश्य होगा कि ये हकीकत में क्या कारण इसका रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि जैसे ही 15 नवंबर के बाद में चीजें सामान्य होंगी, ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां सामान्य होंगी, इस सारे राज हमारे सामने खुलकर आने भी लगेंगे। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर एक परिस्थिति का निर्माण तो अब आरंभ हो भी चुका है कि शनि अब मार्गी हो गए हैं। शनि के मार्गी होने के साथ ही अब इन परिस्थितियों को भी बहुत तेजी से कंट्रोल में कर लिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का होना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो इस समय ऐसा ही संकेत दे रही है कि कुछ ऐसे लोग जो इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग किसी ऐसे बड़े षड्यंत्र को यहां पर अवश्य करना चाहते होंगे जिसके कारण से आने वाले समय में वो इस सेक्टर से भी कोई बहुत बड़ा लाभ अवश्य ले पाए। दर्शकों, परिस्थितियां विचित्र हैं ग्रहों की, इसीलिए लोगों के कृत्य भी बड़े विचित्र होते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जो हमें यह बता देती है कि वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है ये वास्तव में प्रकृति के कारण से है या इसके पीछे कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है। और वर्तमान के ग्रहों की परिस्थिति तो हमें यही संकेत दे रही है कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है जो केवल बारिश के कारण से ऐसी पैदा हुई है, क्योंकि बारिश तो पहले भी होती रही है और इससे ज्यादा बारिश हुई है, खदानों में पानी तो पहले भी भरता होगा, लेकिन अब इस समय पर ऐसा संकट का होना ये साधारण बात नहीं है और इसका पर्दाफाश आप 15 नवंबर के बाद होता हुआ जरूर देखेंगे। दर्शकों, गोचर को ध्यान में रखते हुए, ग्रहों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आपको सटीक आकलन दिया है बिजली संकट का जो मुझे दिख रहा है, और इसको 15 नवंबर के बाद उजागर होते हुए आप अवश्य देखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बड़े घटनाक्रम से ध्यान हटाने के लिए
कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिसके कारण से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो और मेन मुद्दे से व्यक्ति का ध्यान भटके। कुछ इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण भी अवश्य हो सकता है। दर्शकों, मेरा ये वीडियो जो मैं आज आपको दे रहा हूं बहुत ही सेंसिटिव है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात हजम भी नहीं होगी, लेकिन जो सच है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसमें सरकारों का दोष नहीं है, इसमें कुछ ऐसी लॉबी इन्वॉल्व है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण से इस पूरी दुनिया को किसी भी बड़े संकट में डालने से पीछे नहीं हटेगी, और ऐसे ही लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख भी रही है। इसीलिए दर्शकों, ग्रहों का आकलन जब मेरा सटीक है तो उसके पीछे की कहानी भी आप लोगों को 15 नवंबर के बाद अवश्य पता लगेगी, क्योंकि तब ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति वो होगी जो उन लोगों को बेनकाब भी अवश्य करेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मेरी ये भविष्यवाणी आने वाले समय में आप सत्य होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।